रिलेटिव वेलोसिटी में ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की किताब में गिवन है क्वेश्चन, तो आपको ये दिखेगा, ऐसा डायग्राम भी दिखेगा, ऐसा डायग्राम भी दिखेगा जब पेपर में आएगा, ऐसा बनाएगा वो। तो क्वेश्चन है कि एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है, एक बेल्ट है, आप एलांटे जाओ ऊपर पार्किंग से ऊपर जाते हैं तो बेल्ट चल रही होती है, हम भी ऊपर खड़े जाते हैं ऊपर चले जाते हैं, ठीक, ये वही बेल्ट है। तो बेल्ट है, एयरपोर्ट पे जाओ दिल्ली में तो वो बिल्कुल चलती जाती है, ये वही बेल्ट है। तो ये बेल्ट है, चाइल्ड रन टू एंड फ्रो विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर पार्ट। ये खड़े उसके फादर, ये रे मदर, बच्चा भागता है पापा से मम्मी की तरफ, मम्मी से पापा की तरफ, फिर एक दूसरे को टच करता जा रहा है और सब किस पे मूव कर रहे हैं, बेल्ट पे, राइट। तो आप ये पूरा सीन देख रहे थे बाहर से, आप बेल्ट पे नहीं है, आप ग्राउंड पे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेल्ट बोलो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 4 किलोमीटर पर आवर, डन। फादर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है आपके हिसाब से, 4 किलोमीटर पर आवर। मदर कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर बच्चा खड़ा है, खड़ा है तो 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन वो कहता है जी ये भागना शुरू करता है, ये आप है, ये आप है और ये तीन बेल्ट के ऊपर है। तो ये बच्चा यहां से यहां भागता है, फिर यहां भागता है, फिर यहां भागता है, फिर यहां भागता है। तो ये बताओ कि जब ये यहां भागता है इसकी स्पीड क्या गिवन है भागने की, 9 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। अब मैं ये कंफ्यूज हो गया, स्पीड ऑफ चाइल्ड तो गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, और फिर से क्या पूछ रहे, स्पीड ऑफ द चाइल्ड, ये क्या बात बनी, दो बार क्वेश्चन कैसे पूछा, दे भी दिया और पूछ भी रहे, कैसे डिफरेंस बताओ। जो ये स्पीड गिवन है वो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ वो बेल्ट पे है, समझ में आ गया, बढ़िया। वो ये कह रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट बोलते हैं तो बच्चा कहता है जी बेल्ट तो रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू कि भी जैसे अगर बेल्ट है तो बेल्ट रेस्ट पे, ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो बच्चा चलता नहीं, वो चलता ही नहीं, 9 किलोमीटर तो छोड़ो वो खड़ा है, तो विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट उसकी स्पीड क्या है, 0। क्यों, क्योंकि वो किसको देख रहा है, बेल्ट को, बेल्ट की स्पीड 4, उसकी खुद की स्पीड भी 4, बेल्ट की स्पीड तो मिलेगी। तो इमेजिन करो वही सिचुएशन है कि मान लो ये क्लास नहीं है, ये एक बस है, बड़ी बस है, तो बस मूव कर रही है विद 60 किलोमीटर पर आवर, आप सब मूव कर रहे हैं विद 60 किलोमीटर पर आवर, पर ये आंसर कौन देगा, ये वो देंगे जो किस पे खड़े हैं, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे। हम और मैं और आप तो बस के अंदर हैं, तो मैं किस पे हूं, रेस्ट पे, आपने मुझे देखा मैं रेस्ट पे हूं, मैंने आपको देखा रेस्ट पे हो, हमने फ्लोर को देखा रेस्ट पे है, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर मेरी स्पीड क्या है, 0, राइट। अब सोचो मैंने 9 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया, तो 9 की स्पीड से अगर मैं भाग रहा हूं, आप लोग बस के अंदर हैं तो मेरी स्पीड कितनी नजर आएगी आपको, 9। लेकिन अगर मेरी बस 60 के साथ चल रही है और मैं बस की डायरेक्शन में 9 के साथ मूव कर रहा हूं, आपने आंसर 9 देना है, पर जो सड़क पे लोग खड़े मुझे देख रहे हैं वो कहेंगे कि सर की स्पीड 60 नहीं है, 60+9 69 है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो बेल्ट मूव कर रही है, बेल्ट के हिसाब से उसकी स्पीड 9 है, लेकिन जो लोग उसको बाहर से देख रहे हैं तो इसलिए उसने क्या पूछा कि स्पीड ऑफ द चाइल्ड, उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कुछ नहीं बोला, अगर कुछ नहीं बोलता तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड के हिसाब से आंसर देना है। तो जो ग्राउंड पे लोग खड़े हैं वो ये बोलेंगे सर देखो जो बेल्ट है वो कहां जा रही है, 4 के साथ आगे, और साथ में वो बच्चा भी भाग रहा है इन डायरेक्शन ऑफ बेल्ट 9 के साथ, तो टोटल कितना आ गया, 13, राइट। और उसी तरीके से अगर मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऑपोजिट के केस में 9-4 यानी कि क्या जाएगा, 5, ठीक। लेकिन अगर आप भी बेल्ट पे हैं, मैं भी बेल्ट पे हूं, फ्लोर भी फ्लोर बेल्ट है, हम सब 4 के साथ मूव कर रहे हैं, मैं चाहे इधर मूव करूं चाहे मैं इधर मूव करूं, देखो तो चलती बस में मैं इधर मूव करूं या मैं इधर मूव करूं,
विद स्पीड ऑफ 9, तो आप सबको 9 ही आंसर देना है, चाहे मैं बस की डायरेक्शन में मूव करूं चाहे मैं ऑपोजिट मूव करूं, आपको 9 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सब एक मोशन में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो ये बस 60 के साथ मूव करती है और मैं बस के अंदर इधर मूव कर रहा हूं 9 के साथ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा बस में हो मेरी स्पीड कितनी है, आप 9 बोलेंगे। मैं इधर भागता हूं 9 के साथ, आप 9 ही बोलेंगे। पर ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा ये नहीं बोलेगा, या तो बोलेगा 60+9 या बोलेगा 60-9। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि अगर वो डायरेक्शन भी मूव कर रहा है बेल्ट के साथ तो ऐड होगी वेलोसिटी, अगर ऑपोजिट है तो सबट्रैक्ट होगी। क्लियर है? दूसरा पार्ट, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ, टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड केस, समय बताओ कितना लगेगा इस बच्चे को फादर से मदर या मदर से फादर पे जाने में। यानी कि अगर बेल्ट के साथ मूव कर रहा है तो क्या टाइम लगेगा, ऑपोजिट मूव कर रहा है तो क्या टाइम लगेगा। राइट, क्लियर है? तो मुझे ये बताओ कि जब मैं इसका टाइम निकालूंगा, टाइम के केस में टाइम क्या हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी। डिस्टेंस तो देखो मैं बता दूंगा 50 मीटर है, वेलोसिटी क्या पुट करूं, 9 किलोमीटर पर आर या फिर 9+4 किलोमीटर पर आर या फिर 9-4 किलोमीटर पर आर। 9 ही पुट करूं, हाँ हाँ मीटर पर सेकंड तो करूंगा, पर 9 लूंगा कि 9+4 लूंगा, पर मैं तो डायरेक्शन में जा रहा हूं तो 9 लूंगा कि 9+4, मतलब चाहे मैं ऑपोजिट मूव करूं चाहे मैं सेम मूव करूं 9 ही लूंगा हर केस में। ऐसा क्यों, 9+4 क्यों नहीं, क्योंकि आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। हम किससे पूछ रहे हैं, उसने बोला किससे पूछ रहे हैं, क्यों, अगर जो है अगर कोई बंदा बेल्ट पे नहीं है तो वो अपनी मम्मी से पापा की तरफ पहुंचेगा 9 सेकंड में, अगर अगर वो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है वो नहीं जी 9 सेकंड में, वो तो 1 घंटे में पहुंचेगा, ऐसे कैसे, वो तो पहुंच भी गया, तो खड़ा बंदा कैसे आंसर दे, वो तो कहेगा जी पहुंच गया मैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक सेकेंड, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पहले सॉल्व करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि सपोज हम बस में जा रहे हैं या एक बेल्ट या बस है, चलो मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आर, ठीक है, आप सब भी 4 किलोमीटर पर आर, तो मेरे को बस की डायरेक्शन में, बस के अंदर की बात हो रही है, बाहर देखना बंद कर दो, तो हम सब एक दूसरे को रेस्ट पे मान रहे हैं क्योंकि हम सब मूव कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट वहां से यहां आता है 50 मीटर कवर करता हुआ विद स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आर, तो उससे पूछा भाई कितना समय लगा, उसने कहा जी घड़ी निकाल दी मैंने, डिस्टेंस मेरा 50 है और स्पीड मेरी 9 है। आप सब एग्री कर गए, हाँ तेरी स्पीड 9 है। क्यों एग्री कर गए, क्योंकि आप सबके हिसाब से तो पहले रेस्ट पे था, वो 9 से भागता है तो आप भी कहते हो 9 से भागता है, बात खत्म। तो आप क्या करोगे, 50 मीटर को 9 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। आपको क्या लेना देना बस की स्पीड क्या है, क्योंकि आप सब बस का पार्ट है, आपके हिसाब से बस किस पे एट रेस्ट है, ठीक। तो बेल्ट का भी सेम है सर, बच्चे को क्या लेना देना कौन देख रहा है, वो तो जी घड़ी निकालता है डिस्टेंस कवर करता है 50, वो कहता है मेरी स्पीड तो 9 है तो मैं तो 9 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.5, तो वो 50 को 2.5 से डिवाइड करेगा, आंसर 20 आएगा। अब वो बच्चा अगर बेल्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 20 सेकंड में पहुंचता है, और अगर ऑपोजिट मूव कर रहा है तो कितने समय पहुंचेगा, आंसर सेम, वो क्यों, डिस्टेंस तो तब भी सेम है तो स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो वो उस लिफ्ट के ऑपोजिट मूव कर रहा है, अंदर है। इमेजिन करें ये बस मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 60, तो हम सब रेस्ट पे हैं, एक दूसरे के हिसाब से हम सब 60 से मूव कर रहे हैं, तो मैं चाहे इधर से उधर जाऊं या मैं उधर से इधर आऊं, अगर मेरी स्पीड 9 है तो 9 ही है, क्या फर्क पड़ता है, बस ऑपोजिट है या बस सेम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर आए, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट वो सब रेस्ट पे है, तो एक्चुअल स्पीड वो 9 से डिवाइड करेगा, आंसर सेम आएगा। तो समझ में आ रहा है, दोनों केस में आंसर 20-20 ही आएगा, कोई डाउट इसमें। अब ये क्वेश्चन पूछा गया एक ऐसे बंदे से जो उस बेल्ट पे खड़ा नहीं है, ग्राउंड पे खड़ा है, सब देख रहा है, ग्राउंड पे खड़े बंदे से पूछा टाइम बताओ उस बच्चे का, अब क्या होगा, सेम होगा कि डिफर करेगा, सेम क्यों होगा, पर अब तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, हाँ डिस्टेंस भी साथ साथ चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब देखो ये तो नहीं हो सकता ना, एक बच्चा 50 मीटर दूरी मान लो 20 सेकंड में कवर कर गया, देखो प्रैक्टिकली तो वो कर गया, आंसर 20 सेकंड हो गया, अब चाहे उसे उसके पेरेंट्स देखें चाहे बाहर के लोग देखें वो तो पहुंच गया,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम तो चांद पे जाके बैठ जाओगे तो तुम तो मतलब कई साल हो गए, बच्चा कई साल नहीं पहुंचेगा, वो तो पहुंच गया 20 सेकंड में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्चुअल स्पीड ली जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लोर और एक्चुअल डिस्टेंस लिया जा रहा है, कैलकुलेशन हो चुकी है। तो इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। वो यही पूछ रहा है अगला पार्ट कि क्या आपके आंसर चेंज होंगे अगर कोई ऐसा या उसके फादर आंसर दें या मदर आंसर दें या लोग आंसर दें, कुछ ना चेंज होता, आंसर 20 सेकंड ही रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तो? कैसे सोच रहे हैं इसमें?